इंटरव्यू करने जा रही है चंदौली के जाने माने समाज सेवी भी रह चुके हैं, तो आइए जानते हैं इनका एक छोटा सा परिचय और फिर स्टार्ट करते हैं। आपका नाम? हरिश्चंद, मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चंदौली का रहने वाला हूँ, व्यापारी भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सेटअप हूँ। हरिश्चंद जी, ये जो अभी जो हाल ही में माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पेश की गई नई बजट है, इसमें क्या कुछ दिया है व्यापारियों के लिए? व्यापारियों और अन्य वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट पेश किया। इसमें जब हमारी सड़कें सुधरी रहेगी, बनी रहेगी, तो संसाधन की व्यवस्था भी अच्छी रहेगी और हर वर्ग के लोगों को सुविधाएं मिलेगी। शिक्षा के प्रति क्या इनका इस बार नया रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं दी है। 1 से 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और उनके रहने वो पहनने के लिए स्वेटर, मोजा, कपड़े इत्यादि, ये सब सरकार ने योजनाओं में दी। सरकार की योजना उच्च शिक्षा पर भी लगभग 100 करोड़ रुपए सरकार ने दी और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने अहम सोच रखी है ताकि हमारे देश की भविष्य कर्णधार उच्च शिक्षा प्राप्त करे और देश के लिए देश के योगदान में अपनी अभिन्न भूमिका निभाए। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी हैं और व्यापारी भी हैं और समाज सेवी भी हैं। अभी तक 2007 में जब से जिला ये प्रारूप में आया है अपना चंदौली जिला, देखा जाए तो अपने जिले में BCom, MCom और BSc एग्रीकल्चर की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए सरकार के द्वारा या फिर जो यहाँ जनप्रतिनिधि है उनसे आपकी क्या मांग है? हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं चंदौली के, ये ऑलरेडी शिक्षा के क्षेत्र के लिए सरकार के समक्ष मांग रख चुके हैं। अभी सेदराजा में जो है कि वहाँ पर भी कुछ विद्यालय बने हैं जिसका शुभारंभ भी चंदौली में भी, यहाँ पर कमलापति महाविद्यालय है वहाँ पर भी शिक्षा के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने मांग की है और हम सोचते हैं कि इस सरकार में कुछ लाभ चंदौली जनपद को मिलेगा। तो उसकी महंगाई बढ़ती जा रही है, एक और ट्रेन के भी किराए बढ़ चुके हैं और यहाँ से अगर हम मुगलसराय जाएं तो केवल एक ट्रेन चल रही है, तो ऐसे में जो है कि छात्र और डेली रोज़मर्रा के काम करने वाले व्यक्ति कैसे काम करें, कैसे शिक्षा अपना ग्रहण करें? देखिए, जो शिक्षा ग्रहण करने की बात है, शिक्षार्थी हमेशा शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर वक्त अपने आप को अग्रेसिव रखे हैं। आपको मैं बता दूं बात कि आज से लगभग 50 वर्ष पहले जब संसाधन नहीं थे तो लोग दिया बाती में बैठ कर भी पढ़ रहे थे, चूँकि वो मेधावी थे, उनके अंदर एक लालसा थी कि मैं पढ़ूँ और आगे बढ़ूँ, देश की सेवा करूँ। आज रही बात थोड़ी सी यातायात की व्यवस्था में कुछ कमियां आई हैं, तो इसमें कोविड के दौर में कुछ सरकारें कुछ क्योंकि तो यातायात कुछ उस पर ड्रेनेज वगैरह रोक रखे हैं, वो भी बहुत जल्द ही सुचारू रूप से संचालित होगा और प्राइवेट वाहन जिनके पास है वो अपने बाइक से संसाधन से आवागमन कर ले रहे हैं, क्योंकि शिक्षा जिसका है वो शिक्षा क्षेत्र में जो भी रुचि रखता है वो हर संभव शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ेगा। जैसा कि कुछ दिनों पहले दैनिक जागरण में आया था कि कृषि मंत्री वहाँ के जो मंत्री हमारे BJP के, उन्होंने पूछा था कि कृषि बिल में काला क्या है, किसी विपक्ष नहीं बता पाया, तो आप उसमें बताइए कि किसानों के फायदे के लिए क्या क्या है कि किसान उसको अपने जीवन में ला सके। देखिए, सरकार ने बहुत ही गंभीरता से ये बिल को पेश किया है। अब राजनीतिक दलों के लोग इनको राजनीति करना है, सड़क पे उतरना है और ये नहीं देखते कि इससे खुद का लाभ है कि खुद की हानि है। सरकार बहुत अध्ययन और मंथन करने के बाद ये बिल पेश किया है। इसमें काला कुछ नहीं, अगर सरकार पूछती कि बताइए काला क्या, तो किसी के पास क्षमता नहीं कि बताइए काला क्या, लेकिन तोहमत लगाने के लिए सभी लोग आ रहे हैं। ये केवल अपना और आम लोगों का नुकसान करते हैं और सरकार सबकी भलाई के लिए
जी, विपक्ष का आरोप है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और किसान को पैसे भी मिल जाते हैं किसी कारणवश, जैसे हमारे यहाँ आपदाएँ आती हैं, कभी बाढ़ आता है, कभी सूखा पड़ जाता है, देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक पेंटर, एक चित्रकार ने एक चित्र बनाकर वॉल पे लगा दी और उसमें ये लिख दिया कि कृपया इस वॉल पेंटिंग में जो कमियां वो यहाँ पर चिन्हित कर दें। सारे लोग आए और अपने पेंसिल से बता दिए यहाँ पर ये कमी, यहाँ पर ये कमी है। अगले दिन वही चित्रकार ने किया क्या कि ये लिख दिया कि जो इसमें कमियां हैं कृपया उसको संशोधित कर दीजिए। किसी का कलम नहीं उठा उसको संशोधन करने के लिए, क्योंकि किसी के पास सोच, वो कलाकार है। कलाकार के पास अगर सोच रहती है, कला होती, तब वो चित्र का बनाता है। लेकिन जो ब्लेम लगाने वाले होते हैं बस लिख देंगे हाँ यहाँ पर ये कमी है, वो कमी है, बनाएंगे नहीं, क्योंकि इनके पास उनकी क्षमता नहीं है। जिसकी जो सोच रहेगा बस उतना ही आदमी काम कर सकता है। जी, और दूसरा का ये आता रहता है, स्टेटमेंट आता रहता है कि वहाँ पे जो धरना दे रहे हैं किसान तो नहीं। देखिए, जो किसान है, आप किस नजरिए से देखते हैं? जो किसान है वो धरना दे, अपनी बात कहें तो समझ में आती है। और अन्य लोग जब जा रहे हैं तो वो ये दर्शा रहे हैं कि हम राजनीतिक दल से हैं, हमारा ये कहना है, हम चूँकि वो सरकार को एक प्रकार से खींचना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होता। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि विपक्ष इसको तमाम तरीके से वो करना चाहती है। हाँ, विपक्ष का काम है अपना वो, ताकि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी सुविधाओं को, और जबकि हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की, योगी महाराज जी की सरकार, अपने प्रदेश के लगभग 24 करोड़ जनता को सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं का हमारे बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसके लिए हम योगी महाराज जी के बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल के माध्यम से जो विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे, जो तैयारियां कर रहे हैं, जो होपलेस हो चुके हैं कि पेपर लीक हो जाता है, बैठ जाते अभी, हैं। अभी जो अभी आपने कहा ना, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे जैसे लोगों द्वारा समाज को ये संदेश जाए, शिक्षार्थियों को ये संदेश जाए कि आप लोग शिक्षा के लिए हर वक्त दिन रात मेहनत करें। सरकार आपके शिक्षा के लिए बहुत योजनाएं दी है, आपके लाभ के लिए बहुत योजनाएं दी है, और जो भी मेधावी छात्र उनका सम्मान होगा और उनको व्यवस्था दी जाएगी।